सब्सक्राइब करें जे आई ट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन पे सबसे पहले जे आई ट्यूब की न्यू वीडियोस देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जे आई ट्यूब चैनल। आज का सुमाक बताने वाला हूँ यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के बारे में, कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है। जो यूट्यूब की तरफ से जो टारगेट रहता है चैनल मोनेटाइजेशन का, वो टारगेट आपका कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से चेक करते हैं आपके यूट्यूब चैनल में, वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे ऑप्शन शो रहा है आपको सब्सक्राइब का, उस सब्सक्रिप्शन पर आप क्लिक कर दें और राइट साइड पर बेल आइकन घंटी आपको शो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, आपको मिलती रहे। तो चलिए उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है। डैशबोर्ड में जाके मोनेटाइजेशन सेक्शन में मैंने देखा है कि यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए। तो मेरे यहाँ पे 1297 ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं। जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। अब नेक्स्ट है 4000। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वायर्ड 4000 रिक्वायर्ड में लिखा, यहाँ पे 4000 रिक्वायर्ड लिखा है। उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में देखिए आप 3976 पब्लिक ऑफ वॉच आवर्स, यानी 4000 में से मेरे 3976 घंटे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अभी रिमेनिंग कितना है, 24 घंटे और मुझे चाहिए चैनल मोनेटाइजेशन के लिए। उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइजेशन में चला जाएगा। एक दो तीन दिन रिव्यू होने के बाद फिर मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है वो पता चलेगा हमको। तो आज के इस वीडियो में था ही था बताने के लिए आपको रिगार्डिंग चैनल मोनेटाइजेशन के बारे में, कि किस तरह से लुक रहता है आपका यूट्यूब चैनल में जो आप चैनल बनाते हैं। 1000 सब्सक्राइबर तो ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं, 4000 रिक्वायर्ड है, लेकिन अभी 4000 कंप्लीट नहीं हुए हैं। 4000 कंप्लीट होने के बाद किस तरह से यहाँ पे शो होता है वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। टास्क कंप्लीट होने के बाद आपका जो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम आवर्स का जो टास्क है ये कंप्लीट होने के बाद इस तरह से आपके YouTube चैनल पे आपके स्क्रीन पे ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए था तो 1300 हो गए और 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए था तो 4029 यानी 4029 वॉच आवर्स, पब्लिक वॉच आवर्स कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं चारों भी स्टेप्स टिक मार्क है, सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुके हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे इसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आप रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम्स स्टेप वन में आप यहाँ पे आएंगे ना, स्टेप वन में तो आप स्टार्ट पे आपको क्लिक करना होगा। स्टेप वन में आने के बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दें, सुबह थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ भी सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स पे क्लिक करके आप एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक कर दें। एक्सेप्ट टर्म्स पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट स्टेप वन में नॉट स्टार्टेड है ना, वहाँ पे डन बोल के आ जाएगा। देख सकते हैं आप डन आ गया है ये। उसके बाद सेकंड स्टेप है एडसेंस का, अगर आप एडसेंस अकाउंट बनाकर यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो स्टेप टू फॉलो करें स्टार्ट पे क्लिक करके जो फर्दर प्रोसीडिंग है। तो फिलहाल के लिए मैंने जस्ट स्टेप वन को स्टार्ट करके एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस किया है, अभी स्टेप टू नहीं किया है यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए आपको रिगार्डिंग मोनेटाइजेशन और सब्सक्राइबर जो टारगेट है यूट्यूब का कंप्लीट होने के बाद किस तरह से आपके डैशबोर्ड में आपके चैनल पे शो होता है, कंप्लीट हुआ सो टास्क कैसा शो होता है वो आज हम इस वीडियो में देखा। वीडियो का आज के इस वीडियो, अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मैं वीडियो अपडेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।